जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं जो ये 49,568 वाली जो भर्ती चल रही है, जिनका अभी मेडिकल नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों आपका शेड्यूल तैयार हो गया है, आपको कब ट्रेनिंग जाना है, किस प्रकार से आपको व्यवस्थित किया गया है, वो पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों दोस्तों चलो हम शुरू से ही से पढ़ते हैं और आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो इसमें लिखा है दोस्तों, कृपया पुलिस आरक्षी एवं समक्ष पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतर्गत जो आरक्षी नागरिक पुलिस के 360 तथा आरक्षी पीएससी के 18,208 और कुल टोटल जो थे 49,568 पद थे, चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 15/7/2020 को आहूत बैठक के कार्यवत संख्या 10, ये सब संख्या है अक्टूबर 2020, 16/7/2020 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें। ठीक है दोस्तों, नंबर दो में उक्त कार्यवत के बिंदु संख्या दो में किसी आपेक्ष अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के कुल 31,360, जिनमें थे 25,088 पुरुष हैं तथा 6,272 महिला हैं, तथा आरक्षी पीएससी सीधी भर्ती के 18,208 यानी कि सभी के मिलाकर के टोटल 49,568 की जो भर्ती थी वो चार चरणों में बांटी गई है, जिसमें से लगभग 14,000 वरिष्ठता के आधार से सूची क्रम में अभ्यर्थियों को परीक्षण कराए जाने की अपेक्षा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें दिख रहा होगा, ये हम आपको दिखा देते हैं, जो 14,000 ये जो आपके हैं चार चरणों के बांटे गए हैं, आपका ये चार चरणों में बांट दिया गया है, इनमें से 14,000 को सबसे पहले लिया जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इस पॉइंट में दिया है वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण यानी कोरोना को देखते हुए इनके लिए एक अलग से इनके देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी बनाते हुए इनके लिए अलग से एक नियम लागू किया है जो इन्हें चार चरणों में बांटता है। अब हम आपको पूरा इसका दिखा देते हैं, जिसमें नागरिक पुलिस के यानी सिविल पुलिस के जो 31,360 हैं और जी 25,088 पुरुष पीएससी के हैं और 6,272 महिला हैं, तथा आरक्षी पीएससी के 18,208 यानी कुल 49,568 पुरुष महिला के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को निम्न संख्या में चार चरणों में प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित हुआ है। तो दोस्तों इसमें दिखाया है जो नागरिक पुलिस के हैं 31,360, ठीक है दोस्तों, सॉरी 31,360 और 25,088 हैं पुरुष और महिलाएं, जिनमें 6,272 महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब और बाकी जो पीएससी के हैं ये हैं 18,228 जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये 31,000 18,208 ठीक है और 6,272 महिला। अब बात करते हैं इन्हें चरणों में किस प्रकार से बांटा है। अब चरण की बात करते हैं दोस्तों, किस चरण में किसको बांटा है। तो पहला जो चरण योजना बनाई है उन्हें प्रथम चरण में जो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उनमें जाएंगे, ये अगस्त 2020 से इनकी ट्रेनिंग होगी, यानी कि जो अगस्त है इसमें दिखा रहा है कि अगस्त 2020 से छः माह की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, जिनमें से 11,110 पुरुष जाएंगे, 2890 महिलाएं जाएंगी, टोटल जाएंगे 14,000। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण में मार्च 2021 से जाएंगे ये ट्रेनिंग करने, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी,
इसमें भी 11,110 अभ्यर्थी सिविल पुलिस के जाएंगे और 28,090 ये महिलाएं जाएंगी, टोटल जाएंगे 14,000। फिर दोस्तों बात करें तीसरे चरण में, इसमें अक्टूबर 2021 से ये ट्रेनिंग पर जाएंगे, 6 महीना की ट्रेनिंग होगी, जिनमें से 13,508 पुरुष होंगे और 492 होंगी महिलाएं, टोटल होंगे 14,000। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे चरण की, इसमें मई 2022 से ट्रेनिंग पर जाएंगे, 6 महीना की ट्रेनिंग होगी, 7,568 इसमें सिविल वो अब पुरुष ट्रेनिंग करेंगे, महिलाएं कोई बचेगी नहीं जब तक, टोटल हो जाएंगे 7,568 पुरुष जो ट्रेनिंग करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से पुरुष हो जाएंगे 43,296 सिविल पुलिस और पीएससी के दोनों लगा करके, दोस्तों क्या हो जा रहा, टोटल हो जाएंगे 43,296 सिविल पुलिस और पीएससी के मिला करके, महिलाएं टोटल हो जाएंगे 6,272 और टोटल 49,568 सभी की प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग हो जाएगी। दोस्तों इसमें आपको साफ साफ दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा हो तो हमें कमेंट करें, हम आपको साफ साफ दिखाएंगे इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने देख ही लिया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, जिनमें अगस्त में जा रहे हैं, मार्च में जा रहे हैं, अक्टूबर 2021 मई 2022 यानी दोस्तों आपका 2020 से 2022 तक प्रशिक्षण पूरा होगा। ये है इसकी पूरी जानकारी, अगर इसमें कोई बदलाव आएगा, बदलाव तो होना चाहिए, इतना लेट नहीं होना चाहिए सभी का, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2020 वाले अब जाएंगे, 2022 वाले तो बहुत लेट हो जाएंगे, तो जिसमें जो भी बदलाव होगा, बदलाव तो होगा ही है, तो हम आपको अपडेट ज़रूर जल्दी कराएंगे। तो हमारे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इसमें बदलाव तो होगा और उसे हम जल्दी ही आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू दोस्तों।